आखिर दिमाग पे ये जाता है ना कि जब एसबीआई ने कुछ अपने को रिलैक्समेंट दिया है तो बात इंश्योरेंस की तरफ भी जाता है। आखिर बैंकिंग के बाद इंश्योरेंस सेक्टर भी एवरग्रीन सेक्टर है और इसमें जो एग्जाम्स है, जो रिजल्ट पेंडिंग है, वो कब होगा? और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, लाइक आपका UIIC का असिस्टेंट और ये दोनों ले लो, NISCL असिस्टेंट ले लो, ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस ले लो, GIC ले लो, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ले लो, इन सारे एग्जाम्स, रिजल्ट, इंटरव्यू, बहुत कुछ अभी पेंडिंग है। और ये सारा पेंडेंसी जो है ना वो इलेक्शन के कारण हो रहा था। अब जब इलेक्शन एंड होने को आया और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो जैसे ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस का जो नोटिफिकेशन निकला था ना वो 11 मार्च को निकला था, और इसमें बताया गया था कि जो एग्जाम शेड्यूल होगा वो ऑलमोस्ट आपका मई या जून में होगा। तो मई तो एंड है, जून का भी अगर आप देखो तो 4 जून को रिजल्ट के आने के बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा। और उसके बाद NISCL असिस्टेंट हो गया, और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में देखो तो इंटरव्यू है, रिजल्ट इसका पेंडिंग है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जुलाई और यू नो जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। जहां तक ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस है, NISCL हो गया, इन दोनों का आप लेके चलो कि प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट वीक या जून के लास्ट में आपका ये एग्जाम शेड्यूल है, तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और इंश्योरेंस सेक्टर ना बैंकिंग से एवरग्रीन सेक्टर है, अगर इसमें हो जाता है तो लाइफ सेट है माय डियर फ्रेंड्स, रॉयल लाइफ है। प्रिपेयर करो और जितना मेहनत कर सकते हो अपना एफर्ट डालो, होना ना होना वो छोड़ दो, ऊपर वाले के ऊपर है, लेकिन अपने तरफ से गिव अप नहीं करना। एग्जाम के लिए आपके पास ऑलमोस्ट बस 1 महीने बचे हैं, प्रिपेयर करो माय डियर फ्रेंड्स, और जितना ज्यादा हो सकता है ना शेयर कर दो इस मेरे वर्ड को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स तक।